मेरे परिवारजनों, आज का नया भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और सबका प्रयास के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। मुझे आज ये देखकर बहुत गर्व होता है कि भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर अब स्वतंत्र होने के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और कोई भी देश जब ऐसा ठान लेता है तो उसका कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। अभी अभी आपने इसकी एक तस्वीर G20 समिट के दौरान भी देखी है। गांव गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि भारत ने किस तरह G20 का सफल आयोजन किया है। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, बताएंगे ना, मुझे जवाब देंगे, हाथ ऊपर करके जवाब देंगे, वो पीछे वाले भी जवाब देंगे, सबके सब बोलेंगे। आप मुझे बताइए, G20 की सफलता से आपको गर्व हुआ या नहीं? आपको गर्व हुआ या नहीं? देश को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं है? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्यारे परिवारजनों, जो आपकी भावना है वो आज पूरे देश की भावना है। ये जो सफल G20 हुआ है, इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? ये किसने कर दिखाया? ये किसने कर दिखाया? जी नहीं, ये मोदी ने नहीं, ये आप सबने किया है। ये आपका सामर्थ्य है। 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है दोस्तों। ये भारत की सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से विदेशी मेहमान भारत आए थे। वो भी कह रहे थे कि ऐसा आयोजन इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। देश के अलग अलग शहरों में भारत ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया, भारत दर्शन कराए। ये विविधताएं देख करके, भारत की विरासत को देख करके, भारत की समृद्धि को देख करके वे बहुत ही प्रभावित थे। हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और खजुराहो में भी G20 की बैठकें हुई और उसमें शामिल होकर के जो लोग गए ना, वो आपके गुणगान कर